वेलकम टू सियासत माना है पाकिस्तान की एक नंबर काफ़ी हम बोस्ट करते हैं जिसके बारे में जो कराची में रहते हैं वो ये है कुछ के 60 50 से 60 फ़ीसद पाकिस्तान की तमाम तजारत कराची से निकलती है कराची सारी रेवेन्यू जनरेट करता है और यकीन इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पोर्ट का, हमारे पोर्ट पे लैंड करता है पोर्ट से प्रोसेस होता है और फिर ये तजारत जब आगे बढ़ती है जब इसकी ट्रांजेक्शन होती हैं जब इसके पैसे बैंक किए जाते हैं जब इसके बारे में ख़रीदो फरोख्त जो है उसको डिटेल्स में लेके जाया जाता है तो वो आया चंडीगढ़ रोड पर ही सारा काम किया जाता है यानी कि पचास से साठ फ़ीसद पाकिस्तान की योमिया जो भी तजारत हो रही होती है वो इस एक रोड पर उसकी या तो रिप्रजेंटेशन होती है या डायरेक्टली वहीं हो रही होती है आज उस रोड पर एक अनोखा सा मंजर था दोनों तरफ से बैरिकेड्स लगी हुई राइट पुलिस अपने हाथ में शील्ड्स पकड़े हुए और डंडे पकड़े हुए खड़े हुए थे हुकूमत वक्त हमारी सिंध के अंदर भी पीपल्स पार्टी और फेडरेशन के अंदर भी पीपल्स पार्टी और मज़ेदार बात यह कि दूसरी तरफ पिटने के लिए भी पीपल्स पार्टी हमारे साथ आज मेहमान हैं जफर बलोच साहब जो कि अमन लाते लाते थक गए थे तो अब पीपल्स पार्टी के रहनमाएँ पहले आप अमन कमेटी को हेड करते थे तो अमन से इतना थके कि अब अपने ही हुकूमत के ऊपर चार्ज ये क्या था आपने आज क्या डिसाइड किया कि जी गुस्सा हो गए अब चलो लेट्स टेक ओवर नहीं जी बात ये है असल में हमारे पीपल्स पार्टी के तमाम लोग हैं लियारी पीपल्स पार्टी से बिलोंग करता है और सदर आसफ़ अली जरदारी की क्यादत हो शहीद बेनर भुटू साहबा की क्या, तो, बे क्या तो, मोहतरमा बेगम नुसरत भुट्टो साहबा की क्यादत हो चेयरमैन शहीद जोल्फ़ुख़ार अली भुट्टू की आदत हो लियारी ने हमेशा उस पर अंधा अहतमाद किया और अभी भी कर रहा है और करेगा लेकिन जब सदर साहब ने जो विजन दिया 2012 के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कि जी 2012 कारकुनों का साल मनाएंगे और आसिफ अली जरदारी ने जो नॉमिनेट किए सैद फैसल रजा आबदी को जब वो कराची के सदर बने सेनेटर साहब तो उन्होंने कहा कि जी अब आप कराची में सियासत नहीं खिदमत करेंगे खिदमत होगी तो हमने जो हमारा गुज्त चार सालों से जमहूरी हुकूमत में लियारी के लोगों का इस्तेसाल जो कि लियारी के अपने नुमाइंदे और मकामी लीडरशिप कर रही थी उस साल और उस और जो, जो जिससे हमारे साथ जो सलूक रवा रखा गया था उसको लेकर हम चले थे जी हम इस नए विज़न के साथ सदर साहब और आसिफ अली जरदारी और सदर कराची पीपल्स पार्टी फैसल रदा आबदी जिन्होंने जो विजन दिया है कि जी ख़िदमत सियासत नहीं खिदमत कारकुन का साल तो हम कह रहे थे जी कार का इस्तेसाल जो उसके जगह अब उसका साल आ गया है तो हम अपने रिजर्वेशन लेकर बिलावल हाउस जाना चाहते थे कि जी हमारे साथ जो जो नासाफ़ियाँ हुई जो जो मामला अभी हम अम, हमारे ऊपर जो हो रहे हैं लियारी में कारकुनों के लिए ज़मीन तंग की जा रही है पुलिस स्टेट बनाया जा रहा है और उसके अलावा कारकुनों को शहीद किया जा रहा है तो बंदर बांट नौकरियों की हो रही है उसके बाद दूसरे जो मामलात हैं और उसको इस तरह से हो रही है आपके जो सारे लीडर्स हैं उन सबको नौकरियां मिल रही हैं जी, जी 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 हमारे जो नौकरियां हो रही हैं नौकरियां जो मिल रही हैं कारकुन के नाम पर गरीब के नाम पर लियारी के नाम पर वो अपने मुंत नुमा को दे रही हैं या, या लियारी के आवाम ने किए आपने किया ना जी जी उनको हमने मुंतब किया जी नबील है उनको लियारी के केवाम ने किया, लेकिन वो मोहतरमा शहीद अब इस तरह एक मरतबा फिर हम कोई कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाह रहे थे लियारी को और लियारी करते हैं जी हम मुकम्मल जमहूरियत में बिलीव करते हैं जी तो फिर ये किस किस्म की जमुरियत है जिसमें आप वोट ऐसे आदमी को देते हैं जिसका फिर आप अगले दिन से मजाक उड़ाना शुरू हो जाते हैं फिर उसके खिलाफ एहत भी करते हैं और फिर आइंदा भी उसी को वोट दे देंगे अगर भुटो जी जी, जी, जी जी देखें हमने हमने अगर उनको वोट नहीं दिया हमने भुटो खानदान को ही वोट दिया तो इसी वजह से आज हम एम एन एम पी ए के घर की तरफ नहीं गए जिस से उनको टिकट मिला जिस घर ने उनको मुंतकब किया तो हम उस घर तो पर तो ना ये जमहूरियत थोड़ी है आप फिर भुट्टो बादशाहत पे यकीन रखते हैं नहीं हम भुट्टो भुट्टो ने यहाँ पर शौर दिया भुट्टो ने यहाँ जीने का नया उमंग दी भुट्टो ने टूटे हुए बिकरे हुए पाकिस्तान को जब मनजम किया में तो इसीलिए भुट्टो ने इस इस लियारी को ए, जब लीज दी एक कच्ची बस्ती थी जिसको हमेशा वो मराठ से महरूम थी दुलबकार अली भुट्टो ने हमें शा दिया वोट बैंक बनाया ना जफर साहब एक वोट बैंक बनाया जिस टूटे हुए बिखरे हुए पाकिस्तान के वो फॉरेन मिनिस्टर थे जब वो टूट गया तो उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बन के उन्होंने एक वोट बैंक बनाया कराची में क्योंकि उनको लड़काना और इन इलाकों से बाहर निकलना था तो एक रूरल एरिया में एक अर्बन एरिया में वोट बैंक बनाया वो आप लोग थे आप उस वक्त जवान थे आप कम उम्र थे आपने देखा ये वोट बैंक बनते हुए आपने भुट्टो का नाम बनते हुए देखा तो आप आज भुट्टो के नाम को वोट देते हैं ना जमहूरियत नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है नहीं नहीं देखें जी जमहूरियत आए तो इसीलिए जब हमने वोट दिया अगर वो ख़राब हैं तो इसीलिए मेरे पार्टी में मेरे दोस्त और अहबाबों ने फैसला किया कि उस उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए तो सदर जरदारी ने भी यही कहा कि एहतसाब होगा उन नुमाइंदों का जिनको गवर्नमेंट ने को फैसिलिटेट किया है उन्होंने डिलीवर अगर नहीं किया है तो उन उसके 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 सख्त बास होगी तो मेरे ख्याल में उन्होंने एक से ज्यादा मरतबा उन्होंने एक्शन भी लिया कि उन, उनके नॉलेज में है कि ये नुमाइंदा मैं बताऊँ बता मैंने आपका आज पूरे दिन एहत देखा उसकी वजह से मैं भी फंसा और चूँकि चंदीगढ़ पर ही हैं हम अभी ये पूरा ऐतजाज़ देखा और मैं सोचा कि जी लेरी की आवाम अब अपने हक के लिए बोलेगी फिर आप एक एम्बुलेंस में बैठ के आए तो लाउड स्पीकर के साथ जो कि मुझे समझ नहीं आया एम्बुलेंस की यूज करनी पड़ी और आपने फिर जो 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 सारी बातें करी वो बड़ी भरपूर तनकीद करी मैंने सोचा जी बड़ी उम्मीद है इस बात से कि लियारी अब एक डेमोक्रेटिक मैंडेट की तरफ ये नहीं कि किसी और पार्टी को वोट देगी बल्कि अपना जमहूरी हक़ मांग रही है लेकिन सर फिर जब तफ़ी से इंटरव्यू आया तो आपने वही जद्दारी साहब का साथ दिया और कहा कि जो बीच के लोग हैं बहुत अजीब हैं आपको ये वक्त समझ नहीं आता लोग हैं नहीं नहीं मैं समझ रहा हूँ जी बहुत से लोगों की रिजर्वेशन है जरदारी साहब के साथ ऐसे टीम में लोग हैं जिन पर वो मुतनाज़ हैं जिन्होंने क्वेश्चन मार्क है तो तो पार्टी के लिए जी देखे जी हम 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 ये समझते हैं कि जी कोई दूसरा हमने दूसरे हुकूमतें आई उन्होंने इस शहर के लिए क्या किया उन्होंने गरीबों के लिए क्या किया मुस्लिम लीग नून को भी मैंडेट मिला और दूसरे लोगों को भी मेडिट मिला जमा सलामी को मेडिट मिला मुतहदा को भी मेडिट मिला, मिला लेकिन उन्होंने भी कभी कातल खुआ लियारी की खिदमत नहीं की नहीं की लेकिन घूम फिर के हम जब आ जाते हैं एक ही पार्टी है जो हमारे लिए सोचती है हमारा कितनी ताकत है आपकी लियारी में तो अपने घर से तो बाहर निकल नहीं सकते नहीं बिल्कुल रहते नहीं है लियारी में काम कौन करता है लियारी में देखे जी लियारी में लियारी के लोग काम करते हैं के कौन लोग जो कर कर रहे रहे थे थे जी आज ये वो लोग हैं जो पहले अमन कमेटी हुआ करते थे जी जी तो आप आप लोग लियारी के लोगों के लिए काम करते हैं जी बिल्कुल तो आप लोग हुकूमत वहाँ पर पुलिस तो जाती नहीं है आप लोगों से डरती है वहाँ पर हुकूमत के अहदेदार जो हैं वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है आपके अपने जो मंतख नुमाइंदे हैं वो आपसे इतना डरते हैं कि वहाँ रहते ही नहीं हैं तो आपने अपनी एक रियासत बनाई हुई है नहीं जी ये गलत परसेप्शन है ये ये बिल्कुल गलत परसेप्शन है ये दुर ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने लियारी के अहतसाल में लियारी के लिए ऐसी चीज़ें पैदा की हैं और रियासत में कोई रियासत बनाना ये बिल्कुल गलत चीज़ है

आपकी इकानमी भी एक पैरेलल चलती है आपका अपना एक सिस्टम होता है जैसे आप टैक्स लेते हैं आप उस सिस्टम के थ्रू फिर आप अपनी नज़र में जो मदद के लायक होते हैं उनको मदद करते हैं अब वो अच्छा हो या बुरा हो उसको जो बुराई करते हैं आप लोगों की वो कहते हैं कि आपने गुंडा स्टेट बनाई हुई है और जो आपकी अच्छाई करते हैं वो कहते हैं आपकी वजह से लियारी है मैं ये नहीं कह रहा कि आप अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस वक्त लियारी के अंदर असर वसूख हुकूमत का आप लोगों के हाथों में जो इस वक्त सिंध की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे नहीं नहीं जी ऐसा एस, ऐसी बात नहीं है आज भी मेरे ख्याल से ये मैं एक मत दोबारा आपको कहूँगा कि ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जो आपने सुना है या आपकी जो नॉलेज है मेरे ख्याल में आपको वह आना पड़ेगा लोगों में मासस में जा देखना पड़ेगा वहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी चल रहे हैं वहाँ यूनिवर्सिटी भी चल रही है वो कॉलेज भी है स्कूल भी तो है अस्पताल भी है अगर ये सब कुछ है ये सब कुछ सही तरीके से नहीं चल रही है यानी कि ये बनता है अब मैं एक जिस एम्बुलेंस में मैं आया था उसकी आप कीमत क्या होगी आप मुझे बताएं अंदाजन मार्केट छह लाख लाख रुपए होगी ना चीफ मिनिस्टर साहब को मैं रिक्वेस्ट की थी वो सिंध या एल सी जी जी के ने तीस लाख रुपए में फराम किया मैं अस्पताल को अच्छा इस चीजों के खिलाफ लियारी पैकेज के नाम पर आसिफ जदारी साहब ने ढाई अरब रुपए दिए उन ढाई अरब रुपए में ये ये अगर अगर आप क्या चाहते हैं नहीं 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 मैं आपको बता रहा हूं स्कूल पार्क ग्राउंड काम हो रहे हैं उनमें अगर हमारे इन्फ्लुएंस होती बकुल आपके रियासत हमारी होती तो 25 कमीशन अपने घर नहीं 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 ले जाते रुक जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कमीशन आप खाते हैं मैं कह रहा हूं कि क्योंकि आपको रियासत और विफाक का हाथ आपके साथ नहीं है यानी कि आप उसके अंदर हाथ नहीं डाल सकते लिहाजा आप एक अपना रियासत बनाते हैं जिसके अंदर आप अपनी वो पर्चिया देते हैं और वो पैसे कलेक्ट करते हैं खिदमत करते हैं या फिर जो भी करते हैं आप अपने हिसाब से पैसे चलाते हैं आपके बहुत सारे लोग हैं उन सबको तनखाई तो मिलती है ना मतलब कहीं से तो पैसा नहीं ऐसी बात नहीं है मैं आपको एक मतलब फिर कह रहा हूँ ये जो पर्ची ये रियासत ये दूसरी चीज़ें ये प्रोबेगंडा है लियारी के खिलाफ लियारी वालों के खिलाफ हम ऐसी किसी चीज़ पर बिलीव नहीं करते हैं ये हमारे खिलाफ़ साजिशें थी पुलिस में उस वक्त तो जो सी सी डी आई साउथ थे इकबाल महमूद उन्होंने ऐसे बहुत से गैंग और ग्रोह को डिस्क्लोज़ किया और उनको पकड़ा जो कि ऐसे नामों से लियारी के अच्छा अगर मैं ये पूछूं आपसे कि आज की आज की भी इस सब तमाशे पे भी आएंगे लेकिन पहले अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कराची में सारी सियासी पार्टीज के पास बदमाश हुएंगे आप पीपल्स पार्टी के बदमाश हो नहीं जी हम हम कोई विंग नहीं हम पीपल्स पार्टी के कारकुन है मेरे ख्याल से आ, आ, जो सियासत बना है आपका प्रोग्राम का नाम है उसमें सियासत नहीं करनी चाहिए जिस तरह सब जगह एलिमेंट्स है पीपल्स पार्टी में भी ऐसे एलिमेंट्स होंगी या शायद ऐसी एलिमेंट्स खुद छतरी तो ढूंढते हैं फ्लैग ढूंढते हैं अपना शेल्टर के लिए लेकिन हम वो चीज़ का ना ऐसा ते ना है ना रहेंगे जोरे बाजू जो पीपल्स पार्टी का है वो आप लोग नहीं है नहीं 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 ऐसी बात बिल्कुल नहीं है आम मैं मैं खुद हमारे सारा दूसरे दोस्त में आठ साल से बल्दियाती कौंसलर रहा हूँ उसके अलावा मेरे वालद की कुर्बानियां हैं मेरे फैमिली की हैं मेरे दोस्तों की लोगों की हैं और तमाम लोग ऐसा कोई परसेप्शन नहीं है पीपल्स पार्टी का ज़िले के सदर हम में से कोई नहीं है पीपल्स पार्टी अपनी तंजीम पूरी फॉर्म कर रही है तो आज अगर ये एहत अगर हमारी रियासत होती तो हम उनका गिरबान वहीं पकड़ लेते उनको इसीलिए सब... तो एहतज चंडीगढ़ पे हुआ इसीलिए तो वरना तो आप वहाँ पे तो पकड़ भी लेते अगर वहाँ पे पुलिस आने की कोशिश करती है आप ली में पूरे दिन नहीं, नहीं, करते नहीं रही बात रही वो नहीं है बात मैंने ये कहा कि एहत अगर हम कर रहे हैं अगर बकौल है आपकी बात अगर एक वक्त के लिए अगर हम मान लें कि जी वहाँ पर सारी डोमिनेट हमें हर चीज़ पर पीपल्स पार्टी पर इंतजामिया पर पुलिस पर लोगों पर हमारा इंफ्लुंस है तो पीपल्स पार्टी की वहाँ तंजीम है वार्ड है सिटी एरिया है वहाँ पांच सौ छह सौ रक्शे बटे वहाँ नौकरियाँ आ रही हैं तो हम क्यों क्योंकि सही है जफर साहब के रक्षे अगर बटे तो अगर आपको दे दिए जाते आपके लोगों को दे दिए जाते तो सही होता नहीं 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 बिल्कुल हमने हमेशा हमारा आज भी मुद्दा है हर चीज में हमने कहा जी जेनवन पीपल्स पार्टी का वर्कर और एक गरीब बेरोजगार उसको की कहीं से भी मिले हमें यह नहीं है कि अगर वो गरीब हो पीपल्स पार्टी का वर्कर ना हो उसको भी मिलना चाहिए लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत है पीपल्स पार्टी कुर्बानी है पे होगा लेकिन आपका मकसद सुना सॉरी सॉरी माजरतर ग्रामी की आप मेरे वाहिद मेहमान हैं आप आपसे पूरी बात सुनूंगा आपकी सर वोट दे दिया तो इसका मतलब यह है कि आपको गरीब के ऊपर हक मिल गया यानी कि अगर आप जो असली गरीब है अगर वो पीपल्स पार्टी का सपोर्टर नहीं है तो उसके ऊपर पीपल्स पार्टी के वोटर को आपके जानने वालों को उनको प्रायोरिटी होनी चाहिए उनको हो। मतलब नहीं 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 बात बात देखें ये बात ये है कि एक, एक प्रोसेस होता है इलेक्शन का जब ये लोग हैं पीपल्स पार्टी के साथ हैं चलते हैं कुर्बान देते हैं वोट देते हैं सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान के शहरी भी हैं और यहाँ पर हम जिंदगी भी गुजार रहे हैं हम भी चाहते हैं कि हमारा मीरा ज़िंदगी बुलंद हो हमारा ज़िंदगी अच्छा हो हमें भी रोज़गार के मौाक़े मिलें या हुकूमत की कोई फैसिलिटी है वो फैसिलिटेड हम भी हों हमारे लोग भी हों ये ये पूरे पाकिस्तान के लिए सबके लिए इक्वल है सारे लोगों के लिए, के लिए। मैं बैक आप मुझे फायदा पहुंचाएं मैं आपको फायदा बात वो अलग चीज़ है लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत है पीपल्स पार्टी की हुकूमत दे रही है तो पेराइटी गुर्बत होनी चाहिए लेकिन पीपल्स पार्टी का वर्कर उसका ज्यादा होता है कि जिस जमूियत के लिए आज दावा मैं टैक्स देता हूँ जी हाँ मैं टैक्स पीपल्स पार्टी के वर्कर के लिए नहीं देता तमाम गरीब पाकिस्तानी के लिए देता हूँ जी तो पीपल्स पार्टी का वर्कर हो या नबील कबूल के रिश्तेदार हो आपके मुझे उन सबको नहीं मदद करनी मुझे गरीब पाकिस्तानी की मदद अगर हो तो बेहतर नहीं है चाहे वो नहीं, नहीं देखे जी आपका टैक्स तो पता नहीं कहाँ चला जाता है अभी जाता है ना जिन जिन लोगों को आप सपोर्ट करते हैं उन्हीं के पास जाते हैं ना सब जगह वही बैठे हैं नहीं पहुंचता है ना वो जो आपका टैक्स वो बहुत कसारे में जा रहा है बजट हम तो आईएमएफ एम का जो पैसा आता है या वर्ल्ड बैंक से जो आता है या यूएस एस एड से आता है वो हमें फैसिलिटीज़ वहाँ से मिलती हैं उन बजट से आपका जो टैक्स होता है तो वो यही पुलिस की तनख्वाहों में और दूसरे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और हुकूमत के मामला चलाने में हमें जो ये रक्षा दूसरी चीज़ें मिलती है हम उधार लेके हुकूमत चलाते हैं उस उधार से फिर हमारा भी सा जफ़र साहब एक एक ब्रेक लेंगे सर आपकी इजाजत से ये जफर बलोच साहब हमारे साथ हैं एक स्ट्रीट लेवल वर्कर पीपल्स पार्टी के अपने आपको कहते हैं उनकी जो वर्कर्स तंजीम है उसके हेड भी रह चुके हैं जिसको अब बैन कर दिया है क्योंकि हज़ुल्फ़ार मिर्जा साहब और एम क्यू एम और लड़ाई और एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा बदमाशी के इल्जाम लगाने के बाद इस कमेटी को अब बैन कर दिया है अमन कमेटी को ज़फ़र बलो साहब एज़ ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स पार्टी आज निकले थे आ, लोगों को लेके एहताज करने अपनी ही पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जिसका नतीजा अंजाम आपने देखा आज पूरे दिन के अंदर जो फ्लैशिंग न्यूज़ थी वो वे कि पाकिस्तान कराची के पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर की सबसे बड़ी तजारती सड़क के ऊपर गनेड के ऊपर आपकी राइड पुलिस जो है वो टिया गया शेलिंग कर रही है और उसका शिकार शिकारा भी हुए और उसके बाद वहाँ पे बैरियर्स लगे हुए हैं ट्रैफिक चार गाड़ियाँ यूँ आ रही हैं तो चार लेंस उनके सामने उन्हें मीट कर रही हैं और दो घंटे तक वैसे ही खड़े हुए हैं इस सब कुछ की वजह कुछ ये थी कि वोट दिया है अब हमें भी कुछ चाहिए और हमें मिल नहीं रहा है और ये नबील गबुल साहब कौन है ये तो यहाँ रहते भी नहीं हैं दिस इज़ ये पाकिस्तानी डेमोक्रेसी के मेरे ख्याल से बेस्ट मिसाल है बैक विद यू आफ्टर ब्रेक